न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बियर शॉप के सेल्समैन की हत्या की कोशिश करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं, गुरु गोरखनाथ बाबा को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी। जिला प्रशासन द्वारा किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसान मेला में लगाए गए कृषि प्रदर्शनी का जिलाधिकारी ने किया अवलोकन, कहा प्रदर्शनी के माध्यम से किसान उठा सकते हैं नई तकनीकी का लाभ। रतनपुरा बालू घाट के ठेकेदार से रंगदारी मांगने वाले 15,000 के इनामी बदमाश को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी साउथ ने किया खुलासा। जिले में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जिलाधिकारी ने कहा दिल से मनाए देश का पर्व। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटी गोरखपुर पुलिस। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने जनपद वासियों से पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचने की अपील। 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को चिलवा ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग करके हुआ था फरार। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देकर मनाया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि, उनके विचारों पर चलने का लिया संकल्प। राज उद्यानिक मिशन के अंतर्गत आयोजित हुआ राज्य स्तरीय किसान गोष्ठी, किसानों को अपनी आय दुगुना करने की दी गई जानकारी। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की बैठक, गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाने की हुई चर्चा। एनुअल डिस्प्ले गैलरी और एग्जीबिशन का मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक ने फीता काट कर किया उद्घाटन, चावल के दाने पर बना चाबी रिंग रहा आकर्षण का केंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुष्प अर्पित करके दी श्रद्धांजलि, उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स विशेष प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, रोवर्स रेंजर्सों ने विषम परिस्थितियों में जीवन जीने का सिखाया हुनर। जीएसटी में छोटे व्यापारियों को राहत तथा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने पीएम को दिया धन्यवाद, डीएम के माध्यम से पीएम को भेजा आभार एवं अभिनंदन पत्र। मंडल स्तरीय स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव हॉकी का हुआ शुभारंभ, उद्घाटन मैच एमएसआई इंटर कॉलेज ने जीता। और बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, खरीदारी और मनोरंजन की मची धूम।